तो नीतीश कुमार अब बीजेपी आने वाला नहीं 25 में। अच्छा तो कौन रहेगा 25 में? तेजस्वी यादव आएगा, कौन आएगा? राजनीतिक विशेषज्ञ हैं ये लोग, देख नहीं रहे हैं बीजेपी के को 20 में लाया था, इनसे पूछिए ना पहले। वो सरकार गिरेगा ना वो जेल जाएगा। कौन? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लिखित इनको बता देते हैं, जेल जाएगा पक्का बताते हैं। कौन भेजेगा? उन लोग का भेजा तो ये लोग ना भेजते। कौन भेजा? लालू यादव को नरेंद्र मोदी भेजा? लालू यादव जब जेल गए, सुनो ना यार, लालू यादव जेल गए तो सरकार किसका था? कौन था मुख्यमंत्री बिहार का? सुन के खाली लालू 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 जाति का नाम पर वोट देना है। विकास लोग हैं कि 400 पार के नारा लगा देते हैं। ये वही दल का बात कर रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं चक्की पिसिंग, और अपनी पार्टी में आए तो उप मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के तो बीजेपी वाले यह कर दिया है कि दुद्दू को ड्यूटी सीएम लगा दिया है, पैसा दिन गिरा दिया नीतीश कुमार के। बिहार में एनडीए का मतलब क्या है? बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है। बड़े अश्विनी चौबे तो कह रहे कि अकेले। देखिए एक बात बताओ मैम, देखिए प्रॉब्लम यहाँ क्या है ना, अश्विनी चौबे जी को लोकसभा का टिकट नहीं मिला, मंत्री वंत्री नहीं बन पाए, वो खाली बैठे हुए हैं, कुछ बोल के अपना पब्लिसिटी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे की एक बात मैं बता दूँ आपको, बीजेपी का सारा सांसद 10 साल से तो सोया हुआ था, मुंह में कुछ तो बोलने के लिए था नहीं। आज जब बहुमत कम आ गया है और टिकट नहीं मिला है तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या फायदा है इसे? इंडिया में सब ठीक लग रहा है? अरे मैम एक बात समझ लीजिए, ये इंडियन पॉलिटिक्स एक ऐसा पॉलिटिक्स है ना जिसमें आप कभी नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक चल रहा। ऐसे बयानों से लग रहा है कि नीतीश कुमार पे कुछ असर पड़ेगा। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ अनुमान लगाना ये इम्पॉसिबल है। कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, बस उनके मन में होगा तो कल भी पलटी मार सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके बारे में कुछ क्या? देखिए यहाँ बिहार की जनता ने ऐसा माइंडेड देता है ना नीतीश जी को कि नीतीश जी इंडिपेंडेंट अपना कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन बीजेपी अगर अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो लग रहा है कि सरकार बना पाएगी बिहार में? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आज भी जैसे ही दो गठबंधन जिधर जाएगा सरकार उसकी बन जाएगी। कौन कौन? अरे भैया मेरे यहाँ तीन प्रमुख दल है, जदयू, बीजेपी, आरजेडी। अब ये तीनों दो मिलके जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। यहाँ तीन पार्टी बिहार के जिधर दुगो जाएगा उधर सरकार बनेगा। क्या लग रहा है नीतीश कुमार पलटी मारेंगे फिर से? पलटी मारेगा तो उसका कैसे जगह नहीं है? नहीं है अभी जगह नहीं है। मैं आपको रोक देता हूँ, देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, जरूरत के हिसाब से सब कुछ होता है, ठीक है। एक बार जो विधायक जीत जाता है वो नहीं चाहता है कि 5 साल भैया कभी कोई रुकावट आए हमको, कोई मंत्री बन जाता है तो भी चाहता है कि 5 साल तक हम मंत्री रहे, तो हर कोई चाहता है कि हम सत्ता का सुख भोगे, इसलिए जोड़ घटाओ गुना भाग करके सब कोई सत्ता में रहना चाहता है। तो ये बात ना करें आप, और बिहार की जनता हमेशा ऐसा माइंडेड देती है यहाँ बिहार में जो समझना मुश्किल है। मैं तो बोलता हूँ सीधा एक बात, इस बार कितना अच्छा मौका था, आप वोट करो या तो इंडिया करो या तो इंडिया को करो, आप रहो ना कहीं जा रहे ना आपको, उसी तरह का यहाँ की जनता को सोचना चाहिए कि हम पक्ष में वोट करेंगे या विपक्ष में वोट करेंगे, या दो तो पूरा बहुमत दे दो किसी को या तो मत दो। तो नीतीश कुमार के बिना संभव है भाजपा का सरकार बनाना बिहार में? तो मिली जुली सरकार बनेवे किया है तो जानिए रहे हैं आप। अगर अकेले भाजपा चुनाव लड़ती है तो? नहीं लड़ेगा, नहीं ना, नहीं जीतेगा। नीतीश कुमार के बिना संभव नहीं है? संभव नहीं, पूरे दल घटक दल है तो घटक दल एक रहेगा तब ना बनेगा सर। क्या लग रहा है नीतीश कुमार के बिना भाजपा सरकार बना पाएगी बिहार में? नहीं बना पाएगी, कोई नहीं बना पाएगा। नीतीश कुमार है तभी बनेगा, नीतीश कुमार के बिना संभव नहीं है? संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, उनका बयान आया है क्या कि विधानसभा का चुनाव उनकी इच्छा है कि भाजपा अकेले लड़े, भाजपा का मुख्यमंत्री होने से क्या होगा, हाई कमान जो चाहेगा वही होगा, हाई कमान जो चाहेंगे वो होगा। ऐसे बयानों से कुछ नहीं होने वाला, वो कौन होता है? वो डस्टबिन है। क्या है? डस्टबिन में रखने वाला, डस्टबिन में रखने पूर्व केंद्रीय मंत्री है। पूर्व केंद्रीय मंत्री होने से क्या होगा? उसको कदावर नेता है तो उसको सीटें नहीं मिला तो कदावर नेता होने से क्या होगा? नाराज है इसीलिए फालतू बयान दे रहे हैं। हाँ, वो अपना बिगाड़ना चाहता है। क्या बोलेंगे अश्विनी चौबे के बयान पे? देखिए अश्विनी चौबे जो बोले हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाजपा ही सरकार बनाएगा,
अपना बलबूते पर, आज जो तीन दल है, दो दल है, तीन दल का करेगा भाई। अगर नीतीश कुमार के बिना अगर भाजपा चुनाव लड़ती है तो लग रहा है कि बिहार में सरकार बन जाएगी? देखिए, भाजपा नीतीश कुमार से अलग फिर सरकार लड़ती है तो चिराग को लेना उसका जरूरी है। भाजपा अपने बलबूते पर बिहार में सरकार नहीं बनाएगा, भाजपा का सहयोगी दल को जरूरत पड़ेगा। नीतीश कुमार के बिना संभव है या नहीं बताइए? नीतीश कुमार बिना सरकार बन जाएगा जब चिराग को रखेगा, तब चिराग रहेगा तो बन, हाँ चिराग नहीं रहेगा सरकार उसका नहीं बन पाएगा। क्या कुछ कहेंगे अश्विनी चौबे के बयान पे? अश्विनी चौबे जो बयान दिए हैं कि उनकी इच्छा है। अश्विनी चौबे पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, ये उनका कद्दावर नहीं, कद्दावर नेता क्या है, तो उनको टिकट काहे नहीं दिया बीजेपी? इस बार टिकट नहीं दिया बीजेपी तो कुछ नहीं है अश्विनी चौबे। अरे मीडिया में आने के लिए बोले होंगे, उनका निजी बयान है, बस हो गया। अगर ये बयान नहीं देते तो टीवी पर चलता है? नहीं चलता, तो इनका निजी बयान है, बस हो गया। मीडिया में आने के लिए 2025 में नीतीश कुमार, बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सब मिल करके चुनाव लड़ेगा, ठीक है। बिहार में फिर से एनडीए का सरकार बनेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। कमान जेडीयू के हाथ में रहेगी यानी एनडीए? कमान क्या होता है, दो उप मुख्यमंत्री है ना बीजेपी का, जेडीयू का मुख्यमंत्री है, सब मिलजुल करके चला रहा है सरकार को। एनडीए मजबूत लग रही है बिहार? अरे पूरा मजबूत है। इस बार अगर ये गठबंधन मिल के लड़ेगा चुनाव, हाँ, तो उन लोगों का फिर वही हाल होगा। तेजस्वी के सपना का क्या होगा बिहार में? सपना देखिए, तेजस्वी को विधायक भी बनाए थे नीतीश कुमार। अच्छा, समझ गए, बनाए थे। अगर बीजेपी से आ करके इधर आरजेडी में मिल करके नहीं लड़ते, उसके पहले कोई तेजस्वी यादव का नाम जानता था? नहीं जानता था, नहीं ना जानता था, ठीक है। वही बनाए हैं, उप मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार बनाए हैं, ठीक है, विधायक भी वही बनाए हैं। अब इस बार चुनाव होगा, देखिए परिणाम क्या होता है। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, क्या लग रहा है नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? नीतीश कुमार के तो बीजेपी वाले यह कर दिया है कि दुद्दू को ड्यूटी सीएम लगा दिया, पैसा दिन गिरा दिया नीतीश कुमार के बीजेपी वाला। अगर इधर रहता था तो एक ही को रहता था, तो नीतीश कुमार अब बीजेपी आने वाला नहीं 25 में। तो कौन रहेगा 25 में? तेजस्वी यादव आएगा, कौन आएगा? तेजस्वी तवार कौन आएगा? राजनीतिक विशेषज्ञ हैं ये लोग, देख नहीं रहे हैं? ये लोग विशेषज्ञ हैं। नीतीश कुमार कहेंगे टिकेंगे तेजस्वी? कोई को सीट पर आया है तेजस्वी? आपके सुनिए, बीजेपी के को 20 में लाया था, इनसे पूछिए ना पहले। ठीक है, नहीं है कि बीजेपी कितने सीट पर बता रहे, केवल कितना सीट पर बीजेपी लड़ा था चुनाव? बीजेपी जाने वाला कितना सीट पर लड़ा था? अभी 400 पार पूछिए ना, ललथुन कितना सीट पर? देश का प्रधानमंत्री लालू पार बोला सुना, ललथुन के का खाली लालू 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 लालू, जाति के नाम पर वोट देना है, विकास कोई मतलब नहीं। लोग हैं कि 400 पार के नारा लगा देते हैं। सरकार तो बनी, अरे सरकार बनी ना, प्रधानमंत्री लालू यादव बने। कान्हा बैगन होगा ना, ये तो धीरे धीरे छेद होगा, छेद लावा फूल अगला 240 पर समता गया। प्रधानमंत्री कौन बना? कौन बना? कौन बना? राहुल गांधी। बात हो रही थी अश्विनी चौबे, नरेंद्र मोदी बोल भाई साखी पर समर्थन दूसरा से लेना, 300 पार करके अकेला बहमत इतने देखा मैं कि जो मन आवे जो करे वो करने वाला उस नहीं देगा, सब होगा। इतना विकास होगा 5 साल में कि सबको वोटो नहीं मिलेगा, एक को अगला 29 में एक वोट नहीं मिलेगा, ये सबको समझे। समय उसको सरकार गिरेगा ना, वो जेल जाएगा। कौन? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लिखित इनको बता देते हैं, जेल जाएगा, पक्का बताते हैं। अगर उसको सरकार गिर गया तो नहीं जेल गिए ना, कौन भेजेगा जेल? कौन भेजेगा? उन लोग का भेजा तो ये लोग ना भेजते। कौन भेजा? लालू यादव को नरेंद्र मोदी भेजा? लालू यादव जब जेल गए, सुनो ना यार, लालू यादव जेल गए तो सरकार किसका था? कौन था मुख्यमंत्री बिहार का जो घोटाला करता है? एक मिनट रुकिए ना, अरे रुकिए ना, एक मिनट चाहे कहाँ रहता है, अरे एक मिनट रुकिए ना, सबको कुछ ऐसा 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 नमूना कहाँ रहता है जी पहले चुनाव से कि राहुल गांधी का नहीं प्रधानमंत्री बनता है सरकार बाद में गिरेगा, ऐसा ऐसा नमूना का पहले आना चाहिए चुनाव से। जो लोग बोल रहे हैं लालू यादव जी को जेल किसने भेजा, तो वो राज था मैम, जब एक मुख्यमंत्री पे आरोप लगता था तो अपना पद छोड़ के उस आरोप में। अरे केजरीवाल जी को बताइए, एक मिनट केजरीवाल जी को बताइए, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है केजरीवाल जी को समझाइए। तो वो सम्मिलित होते थे, पर आज वो दौर है, आज वो दौर है कि ईडी आपके यहाँ छापा मारेगी,
आप बीजेपी को चंदा दीजिए, बरी हो जाइए, ठीक है। आज वो दौर है कि जो प्रधानमंत्री चुनाव के पहले का नारा है, पहले पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए, बिहार की जनता इन लोगों को नकार दी पूरी, पूरा सुन लीजिए भाई, पूरा सुन तो लीजिए, काहे घबरा रहे हैं। 15 सीट बीजेपी लड़ा, ये वही दल का बात कर रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं चक्के पिसिंग, और अपनी पार्टी में आए तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरा, सब केस बर्खास्त, तो आप चाहते हैं ये राज, और मैं चाहता हूँ इंडियन होने आते ऐसे दल को सपोर्ट करूँ, और सरकार में बहुत घोटालेबाज को नहीं छोड़ा जाएगा, बहुत मोदी की गारंटी देते हैं, काला करेगा वो जेल जाएगा, बहुत मोदी की गारंटी देते हैं। पूछिए तो हिम्मत है कि मोदी जी आके बोल दे कि 5 साल हम सरकार चला लेंगे, है गारंटी देने का हिम्मत? एकदम गारंटी के साथ 5 साल सरकार चलेगा, नीतीश कुमार भागेंगे, नायडू भागेंगे, 5 साल गारंटी के साथ, 5 साल सरकार चलेगा।